धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे 5 कानून लगाए, एनएसए लगाए, यूएपीए लगाए, वेजिंग वॉर लगाए, देशद्रोह लगाए और मकोका लगाए। अगर 1 महीने के अंदर आपके महाराष्ट्र में धर्मांतरण न बंद हो जाए, मैं आजीवन सार्वजनिक जीवन में मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये लाइला समस्या नहीं है, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की उनकी 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास फांसी दे दीजिए, केवल 10-20 को दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका महाराष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। सबको नहीं करना, हमने परमाणु बम बनाया हुआ है, चलाने के लिए क्या चलाया किसी के ऊपर? जोर से बोलिए जरा, अग्नि है हमारे पास, ब्रह्मोस है, अभी राफेल भी खरीद लिया, चलाया क्या? नहीं। किस लिए? डराने के लिए, धमकाने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। मेरी PIL चल रही है, इतना बड़ा सिंडिकेट है, ये 5 मांगे मेरी PIL पे है। उन्होंने पहला, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MB साथ है गुजरात के, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप गूगल करिएगा, कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा करके पब्लिश हुआ है 2022 में। मैंने वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को दिया। क्यों दिया? क्योंकि पहले धर्मांतरण कराया जा रहा था ट्राइबल्स का, आदिवासियों का, लेकिन उसमें लगता है खर्चा। अब उन्होंने नया सिस्टम निकाला है, अब वो धर्मांतरण करा रहे हैं बिजनेस क्लास का, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज। क्यों करा रहे? एक बेटा होता है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, उसको कन्वर्ट कर लो, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई। गाजियाबाद में जैन परिवार का इकलौता लड़का, उसको उन्होंने ऑनलाइन गेम को, उसको लत लग गई थी, उसी ऑनलाइन गेम में उसको कन्वर्ट कर दिया। ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि उसको उसके फादर ने जब घर में नमाज पढ़ने से रोका, उसने लड़के ने हाथ उठा दिया। जिस घर में लहसुन प्याज नहीं बनता था, कभी यूज नहीं होता था, उस घर में नमाज पढ़ी जा रही थी। कमिश्नर साहब के पास गए, जैसे मुझे खबर लगी मैं भी कमिश्नर साहब के पास गया। हमने कहा एक काम करिए, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसके ऊपर लगा दीजिए NSA। NSA का फायदा होता है 1 साल तक जमानती नहीं होती। पहले वो हिचक रहे थे क्योंकि भारत में आज तक NSA कहीं लगाया नहीं था। मैंने उनको, हमारे मित्र हैं जानने वाले, उनको थोड़ा बूस्ट किया तो उन्होंने लगा दिया। तो जब किसी अपराध में पहली बार NSA लगता है तो हाईकोर्ट जाता है कन्फर्म होने के लिए कि हाँ ये सही लगा है कि नहीं लगा। वो धर्मांतरण में पहली बार लगा था भारत में, वो मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेटी बनाया, कमेटी बना के उन्होंने बोला हाँ धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, NSA लगाना ठीक है। उसके बाद से जब जब यूपी में धर्मांतरण होता है, बाबा की पुलिस पहला काम करते पहले NSA लगा देती है। एक साल जेल, अब बाकी देखता देखा जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो लाइलाज है, लेकिन धर्मांतरण रोकने के लिए और भी काम करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया था FCRA, उसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इससे मिशनरियों को बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण रोकने के लिए बैंक के जरिए बहुत फंडिंग आ रही है, उस पर मैंने PIL फाइल किया, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, 50,000 करोड़ हर साल फंडिंग आ रही है। दुर्भाग्यवश RBI को भनक नहीं उसकी, RBI तो छोड़िए वित्त मंत्रालय को उसकी भनक नहीं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है। बाहर से पैसा आ रहा है तो जब पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं तो मैं आपको 2 मिनट बताता हूं। एक होता RTGS, आप जानते होंगे, एक होता NEFT, लेकिन ये डोमेस्टिक टूल है, ये जो टूल है डोमेस्टिक टूल है भारत के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए। अगर बाहर से पैसा आए तो उस पर लिखा होता है IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। और विदेशी बैंकें, HSBC और भी कई सारी, वेस्टर्न यूनियन, अमेरिकन एक्सप्रेस, वो बैंकें
बाहर से पैसा भेज रही थी और उसको दिखा रही थी एनईएफटी और आरटीजीएस, तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था, वो सोच रहा था भारत के अंदर पैसा घूम रहा है और पैसा बाहर से आ रहा था। जब मुझे इसकी भनक मिली, और भनक मैं उनको धन्यवाद दूंगा, ऑस्ट्रेलिया के नवल किशोर सिंह है, वो हमको 6 महीने समझाते रहे, मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उन्होंने 3 बार पैसा भेजा और किसी अलगाववादी के खाते में, बेचारे $5,000-5,000 3 बार भेजे। एक बार भेजे और उन्होंने भेजने वाले को बोला कि भैया इस पे एनईएफटी लिखा होना चाहिए, एनईएफटी आ गया। अगली बार भेजा, बोले इस पे आरटीजीएस लिखा होना चाहिए, आरटीजीएस लिख के आ गया। अगली बार भेजा, बोले इस बार इसमें बकायदा एयूडी लिखा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा होना चाहिए, मेरा नाम लिखा होना चाहिए, मेरा पता लिखा होना चाहिए, वो भी आ गया। वो तीनों बैंक स्टेटमेंट लेके मेरे पास आए, मैंने पिटीशन फाइल किया, जज साहब को आधे घंटे समझाना पड़ा कि कहानी यह है, भेजने वाला एक है, पैसा बाहर से आ रहा है, एक बार आरटीजीएस आ रहा है, एक बार एनईएफटी आ रहा है, एक बार आईएमटी आ रहा है, तब जाके उस पर नोटिस हुई। तो अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो विदेशी फंडिंग भी रोकनी पड़ेगी, भारत के अंदर जो ड्रग स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग का सारा पैसा धर्मांतरण में खर्च हो रहा है। एक तरफ हमारे बच्चे नशेड़ी बन रहे, दूसरा उस पैसे से, मतलब हमारे ही पैसे से हमारा बच्चा नशेड़ी भी हो रहा है और उस पैसे की कमाई से हमारे गरीबों का धर्मांतरण भी हो रहा है। धर्म भी जा रहा है, धन भी जा रहा है। मेरी पीएल चल रही घुसपैठ के ऊपर। जब 2017 मैंने पिटीशन फाइल किया तो उस समय बताया था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो 5.5 करोड़ हो गए। 5.5 करोड़, दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 5.5 करोड़ से कम है, यानी दुनिया के 50 देशों की जनसंख्या है उतना हमारे देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। सवाल यही है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत क्यों आते, चीन क्यों नहीं चले जाते, दुबई क्यों नहीं चले जाते, कुवैत क्यों नहीं चले जाते, उनको तो बहुत आदमी भी चाहिए, बहरीन क्यों नहीं जाते, मस्कट क्यों नहीं जाते, भारत क्यों आते? और आ कैसे रहे? बॉर्डर पे 2,000 रुपए दे के आते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं आपको, कड़वी सच्चाई। बॉर्डर पर हेड 2,000 रुपए देते हैं, अंदर जाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है, दो डॉक्यूमेंट हो जाता है, दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम से उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, तीन डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दलाल को पकड़ता है, तहसीलदार के यहां से उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है, जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आईटी ऑफिस के दलाल को पकड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, जब 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, दलाल को पकड़ता है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है, जब 6 डॉक्यूमेंट हो गया, अब दलाल की जरूरत नहीं है, सीधे बैंक में जाता है, बैंक अकाउंट खोल लेता है, जनधन का भी लाभ ले रहा है, मुद्रा लोन का भी लाभ ले रहा है, वजीफा भी ले रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का भी लाभ ले रहा है, मुफ्त में मकान भी ले रहा है, मुफ्त में राशन भी ले रहा है, लगाया 15,000, साल भर में 5 लाख रुपए वापस। अब हम घुसपैठ तो करते, हमें यह तो पता है हेडेक हो रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते ये हेडेक यहां, दर्द दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत पेट में है, लीवर साफ नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों को 10 से 20 साल की सजा के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक फर्जी डॉक्यूमेंट, जब घूसखोरी नहीं रुकेगी, और जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। कितने भी संगठन बन जाए, आप घुसपैठ रोक ही नहीं सकते, घुसपैठ कराने वाले हमारे अपने हैं। आप कितना भी धर्म की जय करोगे, उनको 2,000 की नोट मिलती है, दिखती है, उसके बाद धर्म भूल जाते हैं, ले लेते हैं और लेके दे देते हैं। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा भाई।
फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाइए। जहां आधार बनता है वहां एक बड़े से अक्षरों में लिखा रहे फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर 10 से 20 साल सजा होगी। कोई बनाने जाएगा क्या और कोई बना के देगा क्या? नहीं। जहां जहां आरटीओ ऑफिस है लिख दीजिए, फर्जी डीएल बनवाना, फर्जी डीएल बनाना, दोनों सीरियस क्राइम है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां जहां राशन कार्ड बनता है बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, फर्जी राशन कार्ड बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। न कोई बनवाने जाएगा न कोई बनाएगा। जहां जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वहां नोटिस लगा दीजिए। अल्टीमेटली पहले जो अल्ट्रासाउंड होता था जहां प्रेगनेंसी की टेस्टिंग होती थी वहां नोटिस नहीं होती थी, आज की डेट में नोटिस लग गया ना वहां पे कि लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 3 से 7 साल सजा होगी। पहले से कुछ कम हुआ कि नहीं? टेस्ट कराना कम हुआ कि नहीं? अगर कोई अल्ट्रासोनिक वाला इसके हो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा कम हो गया। अब डॉक्टर को भी खौफ है, अरे मैंने अगर टेस्ट कर दिया पकड़ में आ गया 7 साल सजा जाएगी, कह लिए यार 2-4 हजार रुपए की बात है, छोड़ो ना हमें नहीं चाहिए पैसा भैया, हम टेस्ट नहीं करेंगे। नहीं तो पहले ये चलता था, टेस्ट करा लेते थे, पता चलता था बेटी है तो मार देते थे। तो जैसे ही एक कानून बना, अब इसका इफेक्ट देखिए कानून का, जैसे ही लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध बना, लिंग परीक्षण बंद हुआ, लिंग परीक्षण बंद हुआ, बेटियों की हत्या बंद हुई, तो जो रेशियो था 850 और 1000 का वो बढ़ के 930 और 1000 हो गया। बेटियां बची कि नहीं बची? जोर से बोलिए जरा। ये होता है कानून की पावर। नैतिकता भी चाहिए, आप गलत फहमी मत रहिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं धर्म की जय करना ठीक नहीं, मैं कह रहा हूं धर्म की जय होना चाहिए लेकिन साथ में अधर्म का नाश भी होना चाहिए। और धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। ये जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो एसपी है, थानेदार है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, कप्तान है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, जज है, इनका काम धर्म की जय करना नहीं है। वो धर्म की जय करने के लिए बहुत संगठन है, सब मंदिर से हो जाएगा, इनका काम क्या है? अधर्म का। शिक्षा मंत्रालय का काम है ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिससे धर्म की जय हो, और कानून मंत्रालय का काम है ऐसा कठोर कानून बनाना जिससे अधर्म का। अग्रि मंत्रालय का काम है दोनों को मिला के ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे प्राणियों में सद्भावना हो, और वित्त मंत्रालय का काम है ऐसी पॉलिसीज बनाना, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का काम है ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे भारत का कल्याण हो, उद्योग व्यापार भी बढ़े। सारे मंत्रालय के अपने अपने काम है, लेकिन भारत में भारत के रक्षा मंत्री तो विदेश के रक्षा मंत्री से बात करते हैं, सुनते रहोगे रक्षा मंत्री का 2x2 का डायलॉग हो रहा है। आज तक आपने कभी सुना कि भारत के कानून मंत्री सिंगापुर के कानून मंत्री से डायलॉग कर रहे हो कि भैया आपके आपके यहां क्या ऐसी व्यवस्था है कि ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती है, आप क्या है? सुना आपने कभी? ये जो नौकर शाह है ना, मंत्री जी तो ड्राफ्ट करते नहीं है, ड्राफ्ट तो नौकर शाह करते हैं। जब इन नौकर शाहों को अपने अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, 10 लोगों का अगल बगल जाके घर भी घूम घूम के आएंगे। विराज जी आपको पता होगा, आइडिया होगा आपको, 10 जगह देखेंगे और किसी एक घर की नकल भी नहीं करेंगे, किसी एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, दूसरे घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, तीसरे के घर के किचन की नकल करेंगे, चौथे के घर के वॉशरूम की नकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा वाला घर सर्वोत्तम घर बने। ये कोशिश होती है कि नहीं? लेकिन जब भारत के लिए कानून बनाते हैं तब ये नहीं देखते कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। और उसका दुष्परिणाम आपको बताता हूं। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई
और उसके कुछ ही दिन के बाद अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई, लगभग उसी स्टाइल में हुई थी ना, चाकुओं से काट के मारा था उमेश कोल्हे को भी। कभी आपने अमेरिका में उमेश कोल्हे जैसी हत्या सुनी क्या? रूस में सुनी क्या? गूगल कर लीजिएगा, अभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मेरे कार्यक्रम करने के बाद गूगल कर लीजिएगा कि ऐसा चाकुओं से गोद के 30 चाकू 35 चाकू 40 चाकू किसी ने मारा हो। जानते हैं भारत में मर्डर की एक धारा है, गला दबा के मार दो तो भी